ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती रहे और उनका आशीर्वाद सदैव आपके जीवन में बना रहे। प्रिय साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि साल 2021 में सावन के महीने की शिवरात्रि कब है। प्रिय साथियों, यूं तो हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन शिवरात्रि और सावन शिवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सावन शिवरात्रि 2021 की डेट। साथियों, अगर आपने अभी तक पंडित नितिन शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान ज़रूर दबा लेंगे, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए अब भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय साथियों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय होता है। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि सावन के महीने में अगर आप एक दिन भी व्रत कर लेते हैं तो आपको पूरे साल में जितनी भी पुण्य तिथियां आती हैं उन सभी का व्रत करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। सावन के सोमवार का व्रत करने वाली कन्याओं को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रहा विलंब दूर होता है। सावन के महीने में जिन लड़कों के विवाह में अड़चन आ रही है उन्हें भगवान भोलेनाथ का नित्य रूप से अभिषेक करना चाहिए और उनसे अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय साथियों, सावन के महीने में पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से शारीरिक रोग पीड़ा कष्ट का निवारण होता है और सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती रहती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि साल 2021 में श्रावण के महीने की शिवरात्रि कब है। प्रिय साथियों, स्क्रीन पर डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, यहाँ से आप डिटेल नोट कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 6 अगस्त शुक्रवार के दिन साल 2021 में श्रावण शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। जी हाँ, 6 अगस्त शुक्रवार के दिन श्रावण शिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रिय साथियों, श्रावण शिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, विधिवत रूप से उनका अभिषेक करते हैं और उनके लिए आप रुद्राष्टक का पाठ करते हैं तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती हैं। तो प्यारे साथियों, इस तरह से मैंने यह आपको बताया कि साल 2021 में श्रावण शिवरात्रि का त्यौहार कब है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना है। जय माता की।